तो यहाँ पे एक्सेस हीट का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो पौधे डायरेक्ट ज़मीन में जाने चाहिए थे उसको थोड़ा नेट हाउस के नीचे रखकर बैग के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसका पॉटिंग सॉइल जो बना रहे हैं, ये एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो प्रांत के एरिया का, मतलब इस एरिया का टॉप सॉइल, टॉप सॉइल एग्रीकल्चर मतलब नेचुरल सॉइल होता है जिसके अंदर में कोई केमिकल नहीं है, जस्ट टॉप पे और माइक्रोबियल उसके अंदर काउंट होते हैं अपने आप, वो एक 30% का हो गया। दूसरा ये है डीकम्पोस्ट खाद यानी काउडंग, बेस्ट कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम काउडंग, डीकम्पोस्ट काउडंग कम से कम एक डेढ़ दो साल जो भी आपको मिले पुराना उतना अच्छा है, टोटली डीकम्पोस्ट हो सो दैट देर इज़ नो मीथेन गैस, इसके अंदर से कोई मीथेन गैस का एस्केप नहीं हो। तो मिट्टी का 30%, खाद का 30% और 30% बायोमास किसी भी तरीके का, इसमें कोकोपीट मिलाया गया है और वो बायोमास सॉइल को एरी बनाने के लिए, इसके अंदर हवा चलाने के लिए, उसके रूट्स को एरेशन देने के लिए काम करता है। और बाकी का जो है हम उसमें सैचुरेटेड इनोकुलेटेड बायोचार जो जिसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स बसे हुए हैं उसको मिलाकर ये मिट्टी तैयार होगा। ठीक है, तो पहले कवर को लिया, जस्ट इंश्योर दैट फटा वटा नहीं है, मतलब कवर ठीक है, ऊपर से 1 इंच फोल्ड किया हुआ है, होल्स ठीक है पानी को बाहर जाने के लिए और एयर एरेशन के लिए। फिर उसके बाद नीचे के साइड में जो कटा हुआ भूसा है बायोमास ये भर दिया, ताकि नीचे के साइड में कभी मिट्टी पूरा जम के हवा आना जाना पानी आना जाना बंद नहीं हो जाए, वाटर पूरा बाहर ड्रेन होना चाहिए, इसलिए नीचे हमने ये बायोमास डाल दिया। और दूसरी बात, जब इसको कवर से निकालेंगे तब भी ये भूसा काम में आएगा कि वो नीचे पकड़ के बैठेगा नहीं, जब आप निकालोगे तो वो निकल के आ जाएगा इजीली। ठीक है, और इसके बाद ये मिक्स किया हुआ मिट्टी है 30-30-30-10 दैट इज टॉप सॉइल डीकम्पोस्ट काउडंग बायोमास एंड बायोचार। तो प्लास्टिक जो कवर है इससे 1 इंच नीचे तक भर देना है बस। और इसके नीचे में, इसके बीच में स्पेस बना लो इस तरीके से प्लांट को रखने के लिए, जिफी को रखने के लिए, जो करीब करीब 10 सेंटीमीटर का हो, बिकॉज वो 10 सेंटीमीटर तक का साइज उसमें है। और वो किधर दूसरा, ये एडिशनली ड्राई एरिया होने के कारण इसके अंदर हम कुछ छिड़काव कर रहे हैं, ये वाटर जेल का पार्टिकल्स है ताकि नमी ज़्यादा देर के लिए बनी रहे। वृक्ष नारायण भगवान की जय। वृक्ष भी नारायण है। और लगाने के टाइम ये ध्यान रखना कि जिफी ज़्यादा नीचे नहीं चले जाए और जिफी के ऊपर तक, स्टेम के ऊपर मिट्टी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर डंडी के ऊपर, और टाइट कर देना नीचे, तब गया ठीक है। जिफी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी, डंडे के ऊपर ज़्यादा नहीं आए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये रेडी हो गया, इसको पानी दे दो। और ये एक साइंस नहीं है, मेरा एक सजेशन है कि कोई भी चीज़ करो तो वो क्लॉकवाइज कर दो, मतलब एनर्जी का जो चक्र क्लॉकवाइज करेगा अच्छा होता है। पानी डालना हो, यू नो हम लोग हाथ में स्प्रे लेके घूमते हैं ना, तो एक एक डायरेक्शन फॉलो करें उसको, पॉजिटिव फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं। या 4 बैग इसके ज़्यादा नहीं रखना, ताकि क्योंकि हम जब यहाँ से उसको पानी डालते हैं ना, अच्छा तो बीच में जगह रखनी है, इसमें कोई कीड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मिट्टी का कलर है, बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो मिट्टी का कलर का होता है, हमको दिखेंगे नहीं। और हाथ का पोंच कितना है, 600-700 सेंटीमीटर ना, हाथ पोंचे
इस तरफ से दूसरे तक, मैं उस तरफ से आऊँ मेरा हाथ पोछे दूसरे तक, तो चार के ज्यादा एक साथ नहीं जोड़ना, उसके बीच में चलने को जगह रखना। हाँ, दो का रख सकते हो या चार का, उससे ज्यादा जोड़ना नहीं। और जोड़ने से और एक प्रॉब्लम होती है, हमको बारिश तक इसको बैग में रखना है। अगर बहुत सारे पेड़ों को साथ में रख देते हैं ना, वो लोग बढ़ते भी बहुत जल्दी है, फिर उसको उठा के नीचे प्लांट करने में अपना पीठ टूट जाएगा, यानी वेट बहुत बढ़ जाएगी। तो उनको धीरे से बढ़ने दो, हेल्दी बढ़ने दो, प्लांट कर देंगे हम जैसे तैयार हो जाते हैं।